So in today's episode, I want to talk about one particular Japanese filmmaker. मैंने इनके बारे में पहले भी बात की है. His name is Makoto Shinkai. और मैं आज इनकी और फिल्म्स के बारे में बात करना चाहता हूँ. I had already recommended his film 5 Centimeters Per Second in the second episode of Chalchitra Talk. आज मैं इनकी और फिल्म्स के बारे में बात करना चाहता हूँ. And the first film that I want to recommend is the film called The Place Promised in Our Early Days. ये Makoto Shinkai का feature film debut था. And this is a film that came out in 2004. इस फिल्म में एक पोस्ट वॉर ऑल्टरनेट टाइमलाइन दिखाई है कि मतलब वॉर के बाद जापान हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स और जो जापान का सदर्न हाफ है दैट इज़ बीइंग कंट्रोल्ड बाय यूएस एंड द नॉर्दर्न हाफ इज़ बीइंग कंट्रोल्ड बाय यूनियन और द सोवियत यूनियन. और इस फिल्म में तीन दोस्तों की कहानी दिखाई है. सो दीज थ्री फ्रेंड्स आर इन देयर चाइल्डहुड और ये स्कूल साथ में जाते हैं एंड इसमें एक मिस्टिकल एलिमेंट है बिकॉज इन द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द जापान देयर इज़ दिस ह्यूज टावर जिन्हें हमेशा एक दूर एक आइलैंड पे दिखता होता है एंड ये हमेशा बात करते होते हैं कि किसी एक दिन उस टावर के पास जाएंगे एंड दे ऑल्सो स्टार्ट बिल्डिंग अ प्लेन टू गो देयर बट सडनली थिंग्स गो रॉन्ग और सडनली मूवी फ्यूचर में चली जाती है एंड हम देखते हैं कि जैसे इन्होंने सोचा था इनकी लाइफ प्रोसीड करेगी वैसे करी नहीं और ये तीनों अब बिल्कुल अलग अलग स्पेस में हैं. सो इस फिल्म की सबसे खास बात यह है कि दिस इज़ अ वेरी एम्बिशियस फिल्म एंड इस फिल्म में बहुत सारी अलग अलग टाइप की थीम्स दिखाई गई है. द थीम ऑफ फ्रेंडशिप, द थीम ऑफ लोनलीनेस, द थीम ऑफ वॉर, द थीम ऑफ मैजिक रियलिज्म. तो उन सारी थीम्स को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से जक्स्टापोज किया है. सो दिस इज़ माई फर्स्ट रिकमेंडेशन फॉर द वीक. माई सेकेंड रिकमेंडेशन फॉर द वीक इज़ अ शॉर्ट फिल्म विच इज़ कॉल्ड समवन्स गेज. सो समवन्स गेज इज़ अ फिल्म दैट केम आउट इन 2013 और ये 5 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड के बाद आई थी जो आई थिंक 2009 में आई थी. समवन गेज एक 7 मिनट की एक शॉर्ट फिल्म है, अगेन अवेलेबल ऑन यूट्यूब. तो आपको इसमें देखने को मिलेगा कि इस फिल्म में इट्स अ स्टोरी ऑफ दिस वुमन जो अपने घर से अलग हो गई है नाउ बिकॉज शी हैज़ बिकम एन एडल्ट एंड शी हैज़ स्टार्टेड लिविंग इन द सिटी एंड शी इज़ बेसिकली ट्राइंग टू अडल्ट. सो इसके जो फादर है वो अपने घर पे अकेले रहते हैं एक कैट के साथ और दिस वुमन शी स्टेज अलोन नाउ एंड वो उसका एक छोटा सा एक अपार्टमेंट है जिसमें ये रहती है और ये एक बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक सेटअप है जिसमें फ़ोन कॉल्स बहुत अलग तरीके से होती हैं, वीडियो कॉल्स बहुत अलग तरीके से होती हैं, एवरीथिंग इज़ वेरी फ्यूचरिस्टिक. सो लोनलीनेस और ज़्यादा इससे बढ़ जाती है. सो इस फिल्म में दिखाया है द फादर वॉन्ट्स टू मीट द गर्ल बट वो बिजी होती है बिकॉज एंड शी इज़ नॉट इवन बिजी, शी इज़ जस्ट टायर्ड क्योंकि वो इतनी सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश कर रही है तो अपने फादर से भी नहीं मिल पा रही. तो वंस अ फादर सेज कि यार मैं लाइक आई एम इन योर एरिया, आई वॉन्ट टू मीट यू एंड शी इज़ नॉट एबल टू मीट हिम और उसके फादर बेसिकली वो सिर्फ उससे मिलने के लिए आए होते हैं एंड ही लाइज कि वो उस एरिया में थे एंड वो ही दिखाया गया है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हाउ वी स्टॉप टॉकिंग टू आवर पेरेंट्स एंड बिकॉज वी काइंड ऑफ फॉरगेट दैट आवर पेरेंट्स आर ऑल्सो गेटिंग ओल्ड एंड वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट नॉट टू निगलेक्ट योर पेरेंट्स. तो इस 7 मिनट में जो Makoto Shinkai आपको फील कराएंगे अगेन लाइक इट्स अ वेरी टफ थिंग टू डू बिकॉज यू विल फील अ रश ऑफ इमोशंस दैट यू वुडंट फील अदरवाइज. सो दिस इज माई सेकेंड रिकमेंडेशन फॉर द वीक. माई थर्ड रिकमेंडेशन फॉर द वीक इज अ शॉर्ट फिल्म कॉल्ड अदर वर्ल्ड. ये Makoto Shinkai का सबसे पहला काम था. दिस इज अ शॉर्ट फिल्म दैट केम आउट इन 1998. इस फिल्म में एक 90 सेकंड का सेटअप है जिसमें पीछे एरिक सेटी का म्यूजिक बजाया गया है. इसमें जो एनिमेशन भी है वो बिल्कुल 1998 वाली एनिमेशन है बट स्टिल लाइक द ड्राइंग्स आर वेरी वेरी फैसिनेटिंग येट द एनिमेशन इज नॉट एज अपीलिंग एज जैसे आज की एनिमेशन होती है. बट अगर आप वो भी शॉर्ट फिल्म देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि इवन इन 1998 Makoto Shinkai वॉज क्रिएटिंग द ब्लू प्रिंट्स फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एंड फॉर द सक्सेस ही वॉज गोइंग टू अचीव इन द लेटर ईयर्स ऑफ हिज लाइफ. इस छोटे से 90 सेकेंड की मूवी में आप देखोगे कि एक लड़की की लाइफ दिखाई है हु इज़ फॉलिंग इन लव एंड लाइक हाउ शी इज़ ट्रैवलिंग एवरीवेयर और पीछे एक मोनोलॉग चल रहा है एंड हाउ शी इज़ गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम हर लवर एंड शी इज़ कमिंग बैक टुगेदर विद हर लवर. So a lot is happening in those 90 seconds and again this film is also available on YouTube so you should see that. Now the thing about Makoto Shinkai is that what makes him so unique is कि इन्होंने कुछ elements पकड़े हुए हैं जिनके अराउंड ये मूवीज बनाते हैं. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एलिमेंट्स जो आपको बहुत रेयरली मूवीज में देखने को मिलेगा इज द एलिमेंट ऑफ वेटिंग. हिचकॉक ने बहुत फेमसली कहा था कि फिल्म इज लाइक जस्ट लाइक लाइफ बट विद द बोरिंग एलिमेंट्स कट आउट. बट वॉट Shinkai डाज इज कि इन बोरिंग एलिमेंट्स को कट आउट नहीं करता है. तो आप जितनी भी इनकी फिल्म्स देखोगे ना
90 or 80% of the scenes don't have the characters talking. They are just either traveling somewhere, या तो खड़े होके रेन में बैठे हैं या फिर वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं. एंड आई थिंक ही हैज़ अ फेटिश फॉर ट्रेन. इतनी ज़्यादा ट्रेन्स दिखाते हैं ये. पर्सनली मैंने भी जितनी शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं, आई एम वेरी फैसिनेटेड बाय ट्रेन्स. तो मैंने जब ये देखा था ये कोई और भी कर रहा है और मेरे से 100 गुना अच्छे तरीके से कर रहा है, सो आई वॉज वेरी लाइक मच फैसिनेटेड बाय दैट. इन एवरी शॉर्ट फिल्म और एवरी फिल्म दैट माकोटो शिंका हैज़ मेड, ट्रेन हैज़ प्लेड एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर. मैंने तो जब सेकेंड एपिसोड में 5 centimeters per second देखी थी, उसमें तो पूरी फिल्म ही एक ट्रेन के अंदर होती है कि एक बंदा है जो ट्रेन में जा रहा है और ट्रेन डिले होती जा रही है. बट ट्रेन प्लेज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन एवरी फिल्म दैट ही हैज़ एवर मेड. और ये ट्रेन के भी जो अलग अलग एंगल्स जिस एंगल से दिखाता है, जैसे द प्लेस प्रॉमिस इन अर्ली डेज में एक सीन है जहाँ पे कैमरा ऊपर वाले जहाँ पे हम अपना लगेज रखते हैं वहाँ पे पड़ा है और उस पर सनलाइट आ रही है और सनलाइट जैसे रिफ्लेक्ट हो रही है और जो ट्रांजिशंस आ रहे हैं इट्स वेरी ब्यूटिफुल. सो बेसिकली माकोटो शिंकाई बिफोर मेकिंग फिल्म्स ही यूज्ड टू मेक वीडियो गेम्स. सो बिकॉज ऑफ हिज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स ऑफ वीडियो गेम्स, ये जो भी टेक्सचर्स की इनकी नॉलेज है, जो लाइट्स की नॉलेज है, जो साउंड्स की नॉलेज है, मेरे को लगता है वो अनपैरलेड है. क्योंकि आप जब भी इनकी 2D एनिमेशन फिल्म्स देखोगे दे नेवर फील 2D एनिमेशन फिल्म्स. एंड फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, ही इज ऑल्सो कमिंग टू इंडिया बाय द वे इन द एंड ऑफ सेप्टेम्बर. आई थिंक दिल्ली में कोई जापानीज फिल्म फेस्टिवल है, ही इज कमिंग देयर फॉर द इंडियन प्रीमियर ऑफ हिज फिल्म वेदरिंग विद यू. द नेक्स्ट रिकमेंडेशन दैट आई हैव फॉर द वीक इज अ फिल्म कॉल्ड द गार्डन ऑफ वर्ड्स. गार्डन ऑफ वर्ड्स इज अ फिल्म दैट केम आउट इन 2013. इस फिल्म में बेसिकली एक 45 मिनट्स की फिल्म है, अगेन अवेलेबल ऑन यूट्यूब. आपको माकोटो शिंकाई का ऑलमोस्ट सारा काम यूट्यूब पे मिल जाएगा. और इस फिल्म में बेसिकली दिस इज अ प्लेटोनिक लव स्टोरी ऑफ अ गाय हु इज अ शू मेकर एंड हाउ ही फॉल्स इन लव विद दिस वुमेन हु इज लाइक ओल्डर देन हिम. और ये बेसिकली एक बस स्टैंड और एक जगह पे जाके हमेशा एक जगह पे जाके बैठता होता है और वहाँ पे सडनली एक दिन एक वुमेन आके बैठती है. हाउ दे फॉल इन लव विद ईच अदर थ्रू देयर साइलेंसेस. और माकोटो शिंकाई ने एक इंटरव्यू में भी बताया द वे ही हैज यूज द कलर ग्रीन इन दैट फिल्म, उन्होंने उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था. बिकॉज द बस स्टैंड वेयर द गर्ल एंड द गाय मीट, इट्स सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ प्लांट्स. सो जब भी वो लड़का वहाँ बैठा होता है तो उसके जो फेस पे जो ग्रीन्स पड़ते हैं लाइक इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल. और उन्होंने पूरी फिल्म में ग्रीन्स को हाईलाइट करने की कोशिश की है. और ये अंडरलाइंग लेयर इनकी सारी फिल्म्स में होती है, दिस आइडिया ऑफ सेपरेशन. और फिर क्योंकि उस सेपरेशन की वजह से वेटिंग आती है, और वेटिंग जब आती है फिर माकोटो शिंकाई का जीनियस आता है. व्हेनेवर आई एम वॉचिंग इट ऑन माई लैपटॉप, मैं पूरे टाइम ऐसे कमांड शिफ्ट 3 दबा के रखता हूँ बिकॉज थ्रू दैट यू कैन टेक स्नैपशॉट्स. और स्पेशली व्हेन यू आर वॉचिंग माकोटो शिंकाई फिल्म्स, मैं लाइक बस स्नैपशॉट्स लेता रहता हूँ बिकॉज इन द फिल्म्स ऑफ माकोटो शिंकाई एवरी फ्रेम इज रियली थियोरेटिकली मेटाफोरिकली इज जेन्युइनली अ पेंटिंग. एंड सिंस माय ऑब्सेशन इज ऑन अ ऑल टाइम हाई राइट नाउ, अभी मैंने कुछ टाइम पहले अमेजोन से एक मांगा खरीदी थी विच इज माकोटो शिंकाई इज मांगा ऑफ 5 centimeters per second. Now there is an interesting story behind that because it was the first manga that I ever bought. तो मेरे को नहीं पता था मांगास कैसे पढ़ते हैं. और पहले तो मेरे को लगा कि बुक मतलब डिफॉर्म्ड आई है बिकॉज आई डिड नॉट नो मांगा को उल्टा पढ़ा जाता है. एंड ऑन द लास्ट पेज इज़ द फ्रंट पेज एंड द फ्रंट पेज इज़ द लास्ट पेज एंड इवन द बबल्स दैट यू रीड लाइक जो मांगा इज़ बेसिकली अ जैपनीज कॉमिक बुक, पर ये 500 पेज की एक जैपनीज कॉमिक बुक थी. तो इसमें जो बबल्स भी होते हैं वो आप राइट टू लेफ्ट जाते हो, नॉट लेफ्ट टू राइट. और द मांगा ऑफ 5 centimeters per second यू कैन कंसिडर इट अनदर रिकमेंडेशन. इट्स ब्यूटिफुल, इट्स वेरी डिप्रेसिंग. और इसकी जो एंडिंग है इट्स बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम द एंडिंग दैट इज देयर इन द मूवी. तो मैंने ये मतलब एक गो में पढ़ी थी. इट विल टेक यू 3 to 4 hours. हाउ देयर इज लाइक ब्यूटी इन द डिप्रेशन दैट इज देयर इन ऑल द माकोटो शिंकाई फिल्म्स, इट्स देयर इन दैट मांगा ऑल्सो. अगेन दिस इज वन बुक दैट यू कैन बाय इफ यू आर एज बिग अ फैन ऑफ माकोटो शिंकाई एज मी. जस्ट टू लाइक कंक्लूड इट ऑल, माकोटो शिंकाई इज नाउ वेरी फेमस बिकॉज इनकी कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी योर नेम, और वो इतनी शूट अप कर गई थी कि उसके बाद पूरी दुनिया को इनके बारे में पता चल गया था. बट योर नेम इज़ अ फिल्म दैट आई डोंट पर्सनली लाइक अ लॉट बिकॉज मतलब इट्स लाइक कुछ ज़्यादा ही उसको मेन स्ट्रीमिश कर दिया गया है कि जो भी उनके जो नुआंस एलिमेंट्स हैं माकोटो शिंकाई के वो योर नेम में मिसिंग है.
तो मेरे को वो इतनी ज्यादा पसंद नहीं है, बट आई डू गेट वॉट ही वॉज ट्राइंग टू डू देयर, एंड थैंक्स टू योनम ही इज वर्ल्ड फेमस नाउ एंड एवरी वन नोज अबाउट हिम. इनकी एक और शॉर्ट फिल्म है शी एंड हर कैट, विच केम आउट इन 1998, आप वो भी देखो. इट्स द स्टोरी ऑफ हाउ अ पेट दैट इज अ कैट लिव्स विद हर ओनर, और ये उस कैट के परस्पेक्टिव से उस ओनर का लाइफ के बारे में बातें बताई गई है, एंड हाउ दिस कैट लव्स हर ओनर, कि वो सुबह चले जाती है काम पे, रात को आती है, और वो कैट दूसरी कैट्स में भी इंटरेस्टेड नहीं है बिकॉज शी इज़ एक्चुअली इन लव विद हर ओनर. इट्स अगेन अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ वर्क. इनकी इमेजेस जो है, टेक स्नैपशॉट्स, ट्राई टू लर्न अबाउट देम, देर इज सो मच इन देयर. अगर आप उनको अलग से फ्रेम भी करा लोगे, दे कैन बी अप्रिशिएटेड एज पेंटिंग्स, और मेरे को लगता है वो म्यूजियम्स में लगाई जानी चाहिए, एंड आई एम नॉट इवन किडिंग व्हेन आई से दे आर दैट ब्यूटिफुल दैट दे शुड बी पुट इन म्यूजियम्स. सो दीज वर माई रिकमेंडेशंस ऑफ माकोटो शिंकाई फॉर द वीक. वॉच एवरी थिंग दैट दिस गाय हैज एवर मेड एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम इट, एंड मे बी यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट लाइफ सम मोर. And see you next week with some more recommendations. Thank you.